प्रपोज मारा था मेरे को, और मैं कहने मतलब हाँ नहीं बोला। हाँ। मैंने बोला सोचूंगा वो हाँ। फिर मैं घर पे गया तो मेरे को ऐसा फील हुआ यार, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने मेरे को प्रपोज मारा। तो कहने का क्या मतलब है, अब तुम्हें हाँ बोलना है? हाँ बोलने नहीं, अगर मैं कहने का मतलब हाँ ऐसे ही समझो, मैं हाँ बोलने आया हूँ तुमको। मैं सच में कूद जाऊंगा। हाँ तो हाँ भर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम न्यू ब्लॉग। आज एक फिर नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, पिछले ब्लॉग में कहने का मतलब अंजू ने मेरे को प्रपोज मारा था, उस टाइम मैंने ना कर दिया था। तो आज अंजू को घर से उठाएंगे और उसी जगह ले जाएंगे, और वहां जाके कहने का मतलब मैं उसको प्रपोज वापस मारूंगा। देखते हैं क्या करती, हाँ भरती है या उसका मूड बदल गया हो, क्योंकि मेरे को काफ़ी कमेंट आए कि हाँ भर दो आज भाई। तो मैं हाँ तो उस टाइम मैंने भरी नहीं, तो आज मैं सोच रहा हूँ मैं आगे से खुद से प्रपोज मारूँ, ताकि उसको भी अच्छा लगे। अगर वो मूड चेंज नहीं हुआ हो तो अच्छी बात है, हो गया होगा तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर अपनी किस्मत ही ख़राब थी। तो गाइस बने रहो ब्लॉग में, देखते रहो क्या होता है। अंजू को घर से ले जाऊँगा और उसी जगह पर जहाँ पर उसने मेरे को प्रपोज मारा था, मैं वहाँ पर ही उसको प्रपोज मारूँगा। तो गाइस बने रहो ब्लॉग में और देखते रहो। तो गाइस आ गया हूँ मैं अंजू को लेके वही जगह जहाँ पे अंजू ने मेरे को प्रपोज मारा था और मैंने मना कर दिया था। तो आज अंजू को वहीं लेके आया हूँ वापस, और देखते हैं आज यहाँ बढ़ती ना बढ़ती है। चलो आज यहाँ पे क्यों लेके आए हो मुझे? तुम्हें दूंगा कुछ सरप्राइज। सरप्राइज यहाँ पे? हाँ मैं कूदने वाला तो नहीं हूँ फिर भी। उस टाइम तुम वहाँ खड़े थे ना, तुम वहाँ पे खड़े थे उस टाइम। हाँ। और आओ तो सही इधर। हाँ ये तुमको गंदी वाड़ा लग रहा है यहाँ पे है? ये यहाँ तुमको गंदा लग रहा है? तो फिर यहाँ पे देखो हवा कितनी आ रही है। हवा तो आ रही है यहाँ पे, लेके क्या है ऐसी जगह, यही मिली तुम्हें लाने के लिए? आज मेरा प्लान है यहाँ से कूदने का। क्यों? पिछली बार तुम कूद रहे थे ना। हाँ। तो इस बार मैं कूदना चाह रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्या होने वाला है? तू पिछली बार पता नहीं मेरे को कुछ हो गया था, तो अंदर घर पे जाके मेरे को बहुत वो फील हुआ ऐसा कुछ कि मैंने क्या हो गया था, क्या फील हुआ? कहने मतलब उस टाइम आपने प्रपोज मारा था मेरे को, और मैं कहने मतलब हाँ नहीं बोला। हाँ। मैंने बोला सोचूंगा वो हाँ। फिर मैं घर पे गया तो मेरे को ऐसा फील हुआ यार, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने मेरे को प्रपोज मारा। कहने का क्या मतलब है, तुम्हें हाँ बोलना है? हाँ बोलने नहीं, अगर मैं कहने का मतलब हाँ ऐसे ही समझो, मैं हाँ बोलने आया हूँ तुमको। वही जगह ऐसा नहीं समझना, वही जगह लेके आया पिछली बार, वो जगह थी, बस थोड़ा सा इधर आ गया हूँ मैं, ताकि मैं यहाँ से कहने मतलब कूदूंगा ना तो झाड़ियों में काई तो तुम कहने मतलब मेरे को मारना ही चाह रहे हो? नहीं तो यहाँ से क्यों फालतू में नाम करोगे? मैं सच में कूद जाऊंगा, देख लो मैं सच में कूद जाऊंगा। हाँ तो हाँ भर रहे हैं, हवा चल रही है और ये घुरा जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, नीचे उतर जाओ। मैं उतर जाऊंगा पहले तुमको है? पहले तुमको एक ये रोज देता हूँ, स्टार्ट करो, लो पकड़ो, नीचे उतरो। हाँ ठीक है नीचे उतरता, ठीक है अब पकड़ो इसको। हाँ इसको तो पकड़ लिया, थैंक यू इसके लिए। तो हानि पर तो मैं मेरी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से हाँ समझो। नहीं नहीं मैं हानि करूंगी, देखो क्योंकि उस दिन मैंने आपको डायरेक्ट बोल दिया था, ठीक है? हाँ। उस दिन अगर आप हाँ कर लेते तो सही रहता। आपने क्या बोला था, मैं सोच के जवाब दूंगा, तो सोच के थोड़ी ना ऐसा होता है कोई। तो अभी मैंने उसी दिन तुमको वापस बोलना था, पर ऐसा हुआ नहीं, वापस मिलना हुआ नहीं, तो मैंने सोचा इसी जगह लेके आऊँ तुमको, उसी जगह लेके आया हूँ ताकि। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अब ये कुछ नहीं हो सकता है ऐसा। तो यार तुमने वीडियो डाली उस पर शब्द नहीं कह रहे, हाँ भर दो हाँ भर दो। अरे मैं वीडियो से नहीं आया हूँ, ठीक है? मेरा कमेंट पढ़ के आयो यार, अब मुझे सब पता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरे अंदर फीलिंग है तुम्हारे लिए। नहीं नहीं सॉरी, क्या बात करती यार तुम, ऐसा मत करो, ये तो बेइज्जती वाला सीन हो रहा है मेरा। बेइज्जती वाला क्या सीन हो रहा है, उस दिन मैंने तरीके से आपको बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। हाँ तो नहीं तो हो रही थी मेरी बात सुनो, उस दिन आपने बोला था तो आज मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं तो आप सोच के आयो ना, और मैंने उसी टाइम पूछा था कि देखो अगर हाँ भरनी तो भर दो, सोचने के बाद में
मैं वो नहीं करूँगी कि हाँ मतलब आपने सोच के आया उसके बाद में आप बोल रहे हो कि ठीक है हाँ भर रहा। तुमको तो खुशी होनी चाहिए कि मैं आगे होके आके तुमको बोल रहा हूँ। नहीं मुझे गम हो रहा है इस बात का। क्या बात कर रही हो? खुशी नहीं हो रही क्योंकि खुशी तब होती जब उस टाइम आप हाँ बोलते। तो मेरी बात सुनो, तुम्हारे कमेंट पढ़ के आए हो कि हाँ बोल दे, क्या पता क्या सोच के बोल रहे हो। अरे मैं कमेंट वमेंट कुछ पढ़ के नहीं, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, मेरे मन से बोल रहा हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स है। वो तुम वो फीलिंग उस दिन मैं कहना मतलब उस टाइम मॉर्निंग उठ के आया था ना, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था तुम प्रैंक कर रहे हो वो कर रहे हो, इसलिए मैंने सॉरी। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, फिर मैं कूद जाऊंगा देख लो। तो मैं कहता रही यहां से क्यों वहां से कूदो ना, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखो अपना कहना मतलब देखो नाम भी मिलता है आरजे अंजू, दोनों के साथ कितना अच्छा लगता है। अभी तक मेरा रियल नाम भी पता नहीं, खैर वो छोड़ो। क्या बात करते? हां हां लेकिन छोड़ो खैर, मेरे को तुम्हारा रियल नाम नहीं पता। तो ये अंजू किसका नाम है फिर? ये फिर बाद में बताऊंगी कभी तरीके से बैठ के, अभी इतना टाइम नहीं। अभी मेरी बात सुनो, अपन को इतना टाइम हो गया ठीक है साथ में रहते हुए, ठीक है कितना 5-6 महीने तो हो गए शायद, हो गए ना। अभी तक तुमने तुम्हारा रियल नाम छुपा के रखा मेरे से। हाँ बिल्कुल, आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी कि मैं कौन हूँ, मेरा रियल नाम क्या। तो आपने मेरे को, मेरी बात सुनो, आपने मेरे को अंजू बोला था तो मैं तो अंजू ही समझूंगा ना। अंजू, अंजू का भी तो कुछ मतलब क्या? हाँ तो पूरा नाम अंजू, अंजना, अंजलि। ठीक है ये बात बाद में करेंगे, अभी फिलहाल में मैं तुम्हारे को लो ये आपका वापस से कर रही हूँ और मुझे घर छोड़ दो, मुझे अब कोई हानि करनी। क्या मतलब आप मेरे को मार रहे हो? ठीक है मेरी तरफ से हाँ है फिर। नहीं मैं तो नहीं मार रही, मैं तो वापस लौटा रही हूँ आपको, मेरे को हानि भरनी, आप जानो आपका काम जाने, मेरे को अब किसी से, अब मैं आराम से फ्रीडम में रहना चाहती हूँ, मैं किसी की दबेलदारी में नहीं रहना। तो मैं कौन सा, मैं तुमको कौन सा दबेलदारी में रख रहा हूँ? तो यही बात मैंने उस दिन आपको बोल दी थी, लेकिन आपने बोला था ना कि तुम मेरे पास, तुम बदला ले रहे हो। देखो बदले की कोई बात नहीं, अगर आप उस दिन हाँ कर देते ना तो मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो उसमें दिन भी कितने, 2 दिन ही तो हुए, 2-3 दिन ही तो हुए, पता नहीं क्या क्या सोच लिया इसका मतलब। 2 दिन में तुमने कहना मतलब कोई दूसरा देख लिया? हाँ तो फिर तुम बात ऐसे करो, मैं 2 दिन बाद आया तुमको उसी जगह लेके आके मैं खुद आगे से मारा, तुम तो मेरे को रोज रोज कुछ नहीं दे रहे थे, मैं तुमको दे रहा। ऐसा ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो है ना, बहुत कहना बहुत मुश्किल से तुम्हारे लिए तोड़ के लाया हूँ ये मैं, तो रखो ना पैसों से थोड़ी लेके आया हूं कोई। तो एक बार मैं पैसों से ले, नहीं एक बार मैं लेके आया था ना पैसों से, तो उसको भी तुमने कहा लिया, वो भी तो तुमने लिया था इस बार। संभाल के रखा था बल्कि हाँ नहीं करी थी, संभाल के तो रखा था ना। तो फिर क्यों संभाल के रखा? हाँ नहीं करी तो हाँ करनी चाहिए ना तुमको। पैसों से लाए थे, इतना दिल से लाए थे, तो क्या वो हाँ नहीं करी? तो भाई किसी बंदे की रिस्पेक्ट थी, फीलिंग थी, इसलिए। तो अभी मेरी फीलिंग के साथ लेके आया हूँ सच में कसम से, और देखा मेरा दिल चीर के देखा, तुम्हारा ही नाम होगा अंजू। चीर के देखो अंजू नाम लिखा हुआ होगा ठीक है। अरे नहीं देखना मुझे तो, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, तुम ऐसा मत करो। क्या बात करते मेरे, एक मेरी बात सुनो, मैंने ना कुछ उस दिन कुछ मजा नहीं लिया था ठीक है ना, मुझे तुम्हारी फीलिंग की कदर थी। ठीक है देखो मैं आपकी फीलिंग की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं आपको सोच के बताती हूँ। सोच के बताओ इसका मतलब मेरे को, क्या मतलब क्या समझ रखा तुमने? क्या समझ रखा? सोच के बताऊंगी गरीब यूट्यूबर। वो तो मैं हूँ ही, तुम और क्या बोल रहे हो? देखो कोई वो वाली बात नहीं, फन वाली, मैं आपको ना सोच के बता दूँ अभी। अब मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बोल दिया। तो ये मेरी बात सुनो, तुम तो ऐसे बदल गए, ऐसे बदल गए मतलब? हाँ तो कहने मतलब कल तुम्हारे अंदर फीलिंग थी, आज की फीलिंग खत्म हो गई, वाह यार गजब है। मैंने उस टाइम बोला था कि मैं प्रैंक नहीं कर रही हूँ, हाँ बोल दो, आपने नहीं बोली फिर। हाँ तो मैं कितनी बार बोलूँ? हाँ 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 कितनी बार बोलूँ? मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। वाह ये तो ऐसा, मेरी बात सुनो तो ऐसा बोलो ना, कलील की लड़का देख रहे हैं तुम, ये बाना तुम कहने मतलब ये नहीं है, ऐसे बोलो ना कलील की तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं। अगर आप हाँ बोल देते तो आज कुछ और सीन होता। क्यों? तो फिर उस, तो फिर वो लड़का पूछा कि लड़के देख ले, मैंने कहा ठीक है देख लो भाई, मैं भी कब तक मना बोल सकती हूँ कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, कब तक मना बोलूंगी। तो गाइस देख लो इन्होंने तो लड़का भी देख लिया। लड़का देखा नहीं, मेरे घर वाले देखेंगे, मैंने इनसे देख रखा था लड़का, लेकिन लड़के ने मना बोल दिया। क्या बात, घर वाले तो देखेंगे ना, घर वालों ने पूछ लिया था कि भाई ऐसा लड़का कौन था, उसकी किस्मत फूटी। अरे राहा,
तुम्हारी किस्मत फूटी तो तुमको नहीं मिली यार, ऐसा तो मत करो यार तुम। पर एक मिनट, ऐसा तो पता है, एक बार बात सुनो, ऐसा तो कोई चेंज नहीं होता उतना जल्दी, तुम चेंज हो, फीलिंग चेंज। मैं सीरियस थी उस दिन, घर वालों ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया था शादी का, ठीक है। मैं तुम्हारे पास में ही थी मेरी फीलिंग से लेके, कि अगर भाई तुम हाँ बोल दोगे तो दो दिन ही तो हुए अभी वापस हाँ भर रहा हूँ ना। कितना दो दिन से थोड़ी ना प्रेशर डाल रहे, कितने महीने हो गए उनको शादी के लिए। फिर मैंने घर वालों को शाम तक का बोला था कि ठीक है रुक जाओ, तो मैं आपसे बात करने आ गई सुबह। घर वालों ने पूछा कि क्या सीन है अब बताओ, फिर मैं क्या बताती घर वालों को, मैंने बोल दिया कि भाई तुम देख लो अब। हाँ तो घर वालों को ये भी बोल सकते हो ना कि आरजे ने हाँ भर दी। उनको थोड़ी पता कि आरजे के पास नहीं थी, मैंने यूँ बोला था कि कोई होगा तो मैं बता दूंगी। कोई होगा तो क्या, रोड साफ किसी को भी उठा दोगे तुम? अरे यार घर वालों का मुंह बंद कर दी थी बस, कि अभी शादी का नाम नहीं लेंगे। हाँ तो अभी बोल देना ना कि आरजे मिला था। हलवा थोड़ी है जो कभी। हाँ तुमने तो मेरे को समझ रखा हलवा, कल को तो प्रपोज मार रहे थे, आज राग कर रहे हो, वाह गजब है। एक मिनट में तुम्हारी चॉइस, एक मिनट में तुम्हारी चॉइस बदल जाती। हाँ बदल देती, ऐसा मत करो यार तुम, मेरी फीलिंग की थोड़ी बहुत तो वो करो कदर। यार मैं इंसाफ के साथ थी ना, घर वालों की भी तो सुनना पड़ेगी यार, घर वाले आखिर घर वाले होते हैं, सुनना पड़ेगी। कूद जाओ यहाँ से, नहीं वहाँ से। हाँ तुम तो मारने पे तुले हो मेरे को कि कब मरे और जल्दी से शादी कर लो। नहीं यार ऐसा, मेरे को शादी तो करना चाहती थी लेकिन वहाँ तुमने मना बोल दिया, तो मैं भी क्या कर सकती हूँ यार। हाँ बढ़िया करो शादी, शादी में मैं तुम्हारे ऊपर फूल बरसा नहीं पाऊंगा, अभी बरसा देता हूँ तुम्हारे ऊपर, आना पड़ेगा शादी। यही तोड़ के बरसाता हूँ तुम्हारे ऊपर। वो क्या बोलते हैं हमारे भाषा में क्या बोलते हैं, हाँ सदा सुहागन रहो, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है मेरे लिए फीलिंग? मैं सोच के बताऊंगी। सोच के यार, ये तुम मेरा वाला डायलॉग मेरे पे मत मारो, ठीक है ना। क्या करूं अब, सोच के बताऊंगी ना अब किससे हाँ भर सकती हूं मैं यार, मेरे को भी तो सोचना पड़ेगा। तो मैं अच्छा दो दिन में तुमने क्या-क्या सोच लिया, जो क्या-क्या हां बोल रहे हो। सोच चुका क्या-क्या तुम पर कहने का मतलब, क्या-क्या हां बोल रहे हो, हां बोल रही। अब मैंने सोच लिया मैं कि यार अभी उम्र भी हो गई है, हां चलो जान पहचान भी है तो शादी वादी कर लेते। मैं शादी वादी कर लेते हैं, घर और बसाएंगे आराम से। नहीं तू समझा नहीं, अब बसाओ अब घर। तुम तो बसा रहे हो किसी और का, क्या करें, बसाना पड़ेगा यार। बढ़िया है यार, सही कहते हैं, उस दिन मैंने हाँ भर दी होती तो। अभी कहने मतलब तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं मेरे लिए, बस ये बात क्लियर है। हाँ, फिलहाल अभी तो नहीं। फिलहाल नहीं, क्लियर बोलो ठीक है ना, ऐसे फिलहाल वाला सिस्टम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अपन दोस्ती बढ़िया है यार, अपन प्यार व्यार भी नहीं जमती अपन। तुम पूरा डायलॉग मेरा मार रहे हो, ठीक है ना, उस दिन मैंने बोला था, उस दिन क्या बोला था मैं तो भूल गई, बस आपने मना बोला था, ये याद था तुमको, ये याद था, बाकी ये याद नहीं था कि अपन तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ो, तुमको ये याद नहीं था कि तुमने मेरे को प्रपोज मारा था ना, कि मैंने मेरे और किसका फोन आ रहा है। चलो ठीक है, मेरे भी फोन आ रहा है, मेरे फोन आ रहा है, तो अभी तुमको फिर यही छोड़ू यार, तुम के लिए छोड़ू यहाँ से, लेके आओ वहाँ, छोड़ो ना मुझे, मैं क्या करूँगी यार, तुम लेके आओ मुझे तो यहाँ। हाँ लेके तो आया हूँ, पर गलती हो गई लाके भी मेरी है ना। हाँ गलती। हाँ अभी पूरा मूड खराब रहेगा मेरा। हाँ जैसे मेरा रहा था, तुम्हारा कुछ नहीं था, ठीक है ना, तुमने तो बदल दिए, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए एक मिनट में। हाँ एक मिनट में इतना चेंज कैसे हो सकता है यार, मैं तो पूरी रात, तुमने मेरे को बोला था, तुमने मेरे को मेरी बात सुनो, तुमने मेरे को बोला था, तो मैंने उस दिन वो ब्लॉग बनाया था, ठीक है, जो मैंने पोस्ट किया था, तो उस पर कॉमेंट आ रहे थे कि हाँ भर दो अच्छी लड़की है वो लड़की, तो मैंने सोचा यार मेरे को क्यों नहीं दिख रही है, वो इतनी अच्छी है उनको क्यों दिख रही है, तो मैं सोचा तो बोलते उसको, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, वो पास में होता तब कदर नहीं होती है ना, जिसको मिल जाता है ना उसको कदर नहीं रहती है। तो मेरे को तो मिले भी तो नहीं, मिले होते तो मानते थे। चलो अभी कुछ नहीं, तो दोस्त तो रह सकते हैं ना, या दोस्त भी नहीं, क्या बात है, शादी हो जाए उसके बाद पता नहीं भूल जाओ। नहीं नहीं यार ऐसा थोड़ी, वो वाला सीन करोगे तो नहीं, मामू वाला ध्यान रखना तुम। तो गाइज निकलते हैं यहाँ से, अभी इन्होंने ना कर दिया, तोड़ दिया हमने भी फूल को फेंक के, अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि इनकी इच्छा खत्म होगी, अब ये शादी करेंगे घर वालों की पसंद से। शादी करना पड़ेगी गाइस। हाँ तो घर वालों की पसंद से ही करना क्योंकि तुम्हारी पसंद तो बदलती रहती है, तुम्हारी पसंद तो बदलती रहती है। तुमको छोड़ता हूँ तुम्हारे घर पे, गाड़ी पूरी गर्म हो गई है, चले, तुम्हारी पसंद तो बदलती रहती हर एक मिनट में। तो गाइस निकलते हैं, इनको घर पे छोड़ लेता हूँ,
इनकी से अभी ये इनके घर वालों को कहने पे शादी करेंगे, दो दिन पहले तो मेरे से प्यार के वादे कर रहे थे और एक मिनट में ख़त्म हो गए। तो गाइज ये अभी सोच के बताएंगे इन्होंने ऐसा बोला, पर मैं मना ही करता हूँ कहने का मतलब। ड्रॉप करते हैं घर पे, आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं।